वेलकम टू एबीसी ऑनलाइन क्लासेज। आज है 3 सितंबर 2019 और 3 सितंबर 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपको। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसको लाइक और शेयर जरूर करना। राष्ट्रीय पोषण माह 2019 का विषय क्या था? इसका राइट आंसर होगा पूरक आहार। सितंबर का पूरा महीना राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय पूरक आहार है। समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की ये योजना है। पोषण अभियान 2022 तक लक्षित दृष्टिकोण के साथ कुपोषण को दूर करने के लिए बहु मंत्रालय अभिसरण अभियान। गरीबी और संपन्न दोनों परिवारों में इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। बिल्कुल क्लियर। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर महीने को मनाया जाएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा श्रीकांत बाल्दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव श्रीकांत बाल्दी को 31 अगस्त 2019 को हिमाचल प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बाल्दी उसी दिन से अपना नया कार्यभार संभालेंगे जिस दिन से बीके अग्रवाल भारत सरकार के सचिव के पद पर लोकपाल के सचिव के रूप में अपनी नई पोस्टिंग में शामिल होंगे। यानी उस समय वर्तमान स्थिति देखते हैं तो बीके अग्रवाल जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं और वो क्या करेंगे, सचिव लोकपाल के सचिव के पद के रूप में अपनी पोस्टिंग होगी, उसके पश्चात वो अपना पद संभालेंगे और होने वाले मुख्य सचिव के रूप में अपने परिवार का त्यागपत्र देंगे। मुख्य सचिव का पद भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नागरिकता सेवाओं के सबसे वरिष्ठ पद है, यानी राज्य का सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक पद है। क्लियर। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की मानचित्र में स्थिति देख सकते हो, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश था। राज्य कब बना? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य बना। राजधानी क्या है? शिमला। राज्यपाल कौन है? वर्तमान में अभी बनाए गए बंडारू दत्तात्रेय। चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम हिमाचल प्रदेश के? जयराम ठाकुर भाजपा से। विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4 सीटें हैं। ये हिमाचल प्रदेश की वर्तमान स्थिति। फुटबॉल में किस देश ने हाल ही में SAFF अंडर 15 खिताब जीता? इसका राइट आंसर होगा भारत। फुटबॉल में भारत ने नेपाल पर 7-0 की जीत के साथ पश्चिमी बंगाल के कल्याणी में SAFF अंडर 15 खिताब जीता। उन्होंने 2013 में और 2017 में पिछली जीत के बाद रिकॉर्ड तीसरी बार ये खिताब जीता, जो दोनों नेपाल में आयोजित हुए थे। फाइनल मैच में भारत के लिए स्ट्राइकर श्रीधर और नोंगमई कांप ने हैट्रिक बनाई। बिल्कुल क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टिक मुक्त बनने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा कुली नंबर 1। बॉलीवुड ने वरुण धवन की कुली नंबर 1 के साथ भारत के प्लास्टिक मुक्त आंदोलन को बढ़ावा देने की और अपना कदम बढ़ाया। जो प्लास्टिक मुक्त बनने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया। यानी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में प्लास्टिक बैन की घोषणा की। 2 अक्टूबर से होगी वो, उसी के बाद ये कदम उठाया गया बॉलीवुड के अभिनेताओं द्वारा, जिसमें
लोगों को एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने का आग्रह किया गया। पर्यावरण की रक्षा हेतु जूट तथा कपड़े की थैलियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। यानी इस फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा एकल उपयोग प्लास्टिक से बचने के लिए आग्रह किया गया है, बिल्कुल ध्यान रखना। जैसा कि देख सकते हो आप एकल प्लास्टिक की फोटो। हाल ही में देश के सबसे लंबे विद्युतीकरण रेल सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 1 सितंबर 2019 को चेरालोपल्ली और रायपुर के बीच देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग और वेंकट चलम ओबुलावरी पल्ली के बीच विद्युतीकृत रेल लाइन को समर्पित किया। रेल सुरंग की लंबाई 6.6 किलोमीटर है। उन्होंने गुडुरु और विजयवाड़ा के बीच एक इंटरसिटी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। अब हम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड और फैक्ट देखते हैं। ये हैं प्रेजेंट टाइम उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। क्लियर। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरी चंदन। सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 175। विधान परिषद की 58। लोकसभा की 11। राज्यसभा की 25। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। परंतु अभी नई राजधानी बनेगी अमरावती, ध्यान रखना। भाषाई आधार पर पहला राज्य 1956 में कौन सा बनाया गया था? आंध्र प्रदेश ही बनाया गया था, और इसी से अलग करके अब वर्तमान में तेलंगाना बनाया गया, जो 2 जून 2014 को बनाया गया। क्लियर। ये आंध्र प्रदेश है जो तटीय पूर्वी तट पर स्थित 973 किलोमीटर तटीय सीमा बनाता है। लंबाई की दृष्टि से सर्वाधिक तटीय सीमा, जो कि वैसे देखें तो गुजरात 1214 किलोमीटर तटीय सीमा बनाता है, बिल्कुल क्लियर। हाल ही में चुनाव आयोग ने देश भर में एक नया मेगा मतदान सत्यापन कार्यक्रम शुरू किया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जिन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया? तो उसका राइट आंसर होगा सुनील अरोड़ा। चुनाव आयोग ने देश भर में एक नया मेगा मतदान सत्यापन कार्यक्रम शुरू किया। यह 15 अक्टूबर 2019 तक चलेगा। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार को एक मतदान यानी एक मतदाता को एक उपयोगकर्ता नाम और उसके पासवर्ड मिलेंगे। यानी हर परिवार में एक व्यक्ति को, उपयोगकर्ता को, उसके नाम और पासवर्ड मिलेंगे, जो किसी भी व्यक्ति को चुनावी पंजीकरण से संबंधित सभी दस्तावेजों को अपलोड करने और उससे या उसके परिवार के सदस्यों के बारे में सम्मान विवरण को टैग करने की अनुमति देगा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। हाल ही में देश का 4000वां रेलवे स्टेशन बन गया जहां मुक्त सार्वजनिक वाईफाई है। इसका राइट आंसर होगा तिनसुकिया जंक्शन। तिनसुकिया जंक्शन पूर्वोत्तर क्षेत्र का तिनसुकिया जंक्शन देश का 4000वां रेलवे स्टेशन बना जहां मुक्त वाईफाई मिलेगा। भारतीय रेलवे के अनुसार औसतन 83 स्टेशनों पर प्रतिदिन वाईफाई मिलेगा यानी चल रहा है, और जनवरी 2016 में मुंबई सेंट्रल से यात्रा शुरू हुई थी और अपने वाले कुछ हफ्तों में भारतीय रेलवे के सभी रेलवे स्टेशनों पर तेज और मुफ्त रेलवे वायरलेस फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध होगी। मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई पाने वाला 4000वां रेलवे स्टेशन तिनसुकिया जंक्शन। क्लियर। सितंबर 2019 में यूएनसीसीडी कॉप
हॉर्टिन कहाँ आयोजित होगा? इसका राइट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्ष में 14वां सम्मेलन कॉप 14 2 सितंबर 2019 को ग्रेटर नोएडा में होगा। सम्मेलन में भूमि के मरुस्थलीकरण और गिरावट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और यह 13 सितंबर 2019 तक चलेगा। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना और सूखे या मरुस्थल का सामना करने वाले देशों में सूखे के प्रभाव को कम करना। 1994 में स्थापित UNCCD पर्यावरण और विकास को स्थायी रूप से प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता। UNCCD का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मरुस्थलीकरण। इसकी फुल फॉर्म है मसौदा तैयार कब किया गया, ये स्थापित कब हुआ? तो इसका सबसे पहले मसौदा तैयार हुआ 17 जून 1994 को, फिर उस पर हस्ताक्षर हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के 14 अक्टूबर 1994 को, और स्थान था रूस, बॉन जर्मनी में, प्रभावी 26 दिसंबर 1996 को। वर्तमान में इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? 197 यानी 196 प्लस यूरोपीय संघ, टोटल 197 हैं। बिल्कुल क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई? इसका राइट आंसर होगा पुदुचेरी या पांडिचेरी के नाम से भी जानते हैं। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने 31 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY योजना शुरू की, जिसमें कहा गया कि यह योजना गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में पहले चरण में 1.03 लाख लोगों को कवर करेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाए जाएंगे। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 3 लाख से अधिक गरीब परिवारों को कवर करेगी, ताकि सुनिश्चित किया जा सकेगा कि गरीब बीमारियों से पीड़ित लोगों को उपचार के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। मानचित्र में देखते हैं पांडिचेरी की स्थिति। इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1954 को। राजधानी पांडिचेरी, जिलों की संख्या 4 है। उपराज्यपाल कौन है? किरण बेदी। CM वी नारायण स्वामी। विधानसभा की 30 सीटें हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं ये स्थिति देख सकते हो मानचित्र में। ये आंध्र प्रदेश में यमन है, और तमिलनाडु में पांडिचेरी और कराईकुलम, ये पांडिचेरी और कराईकुलम है तमिलनाडु में, और ये माहे केरल में है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है, 9 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। पांडिचेरी की स्थिति भारत के 3 राज्यों में फैली हुई है, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। हाल ही में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? यशविनी सिंह देसवाल ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? यशविनी सिंह देसवाल। युवा निशानेबाज यशविनी सिंह देसवाल ने ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक कोटा भी हासिल किया, और यह 2020 टोक्यो जापान में खेला जाएगा। मैं भारत को 9वां कोटा, विश्व के नंबर 1 यूक्रेन ओलेना कोस्टविच रजत पदक जीत, जबकि सर्बिया की जेस्मिना में लवोनोविक कांस्य पदक जीता। हम ब्राजील की वर्तमान स्थिति देखते हैं मानचित्र में। यह है ब्राजील। ब्राजील किस महाद्वीप का देश है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश। राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। राष्ट्रपति कौन है ब्राजील के? जायर बोल्सोनारो। मुद्रा क्या है? ब्राजीलियन रियल। अमेजन नदी ब्राजील की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी व्यापक और दूसरे सबसे लंबी नदी है। यह पैराग्वे अर्जेंटीना की सीमा बनाती हुई
अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पांचवा बड़ा देश है। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का सातवां स्थान है। अधिकतर इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। अर्जेंटीना यानी आठवां स्थान किस देश का है? तो आपको ध्यान रखना है, आप इतना याद कर सकते हो कि सातवां स्थान किसका है भारत का, भारत से आठवां स्थान किसका है? अर्जेंटीना का। बिल्कुल क्लियर सारे फैक्ट?